चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। दिल्ली को अंबाला होकर चंडीगढ़ एवं पंजाब से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से लगभग 140 किलोमीटर एवं जिला मुख्यालय करनाल से 18 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बसा नीलोखेड़ी। नीलोखेड़ी के पश्चिम छोर पर दिल्ली कालका रेलमार्ग गुजरता है। यहाँ नीलोखेड़ी रेलवे स्टेशन स्थित है, जहाँ दिल्ली पंजाब आदि को अनेकों रेलगाड़ियाँ उपलब्ध हैं। रेलवे स्टेशन परिसर से बाहर निकलते ही उत्तर की ओर एक मुख्य सड़क निगदू ढांड से जोड़ती है। रेलवे स्टेशन से उत्तर पूर्व की ओर जाने वाली सड़क रेलवे रोड नीलोखेड़ी में सबसे मुख्य सड़क है। यह सड़क गोल बाजार होकर शहर के पूर्वी छोर से गुजरने वाले जीटी रोड तक जाती है। इस मार्ग पर थोड़ा आगे बढ़ते ही पश्चिम की ओर कारसा रोड प्रारंभ होता है। कारसा रोड नीलोखेड़ी के मुख्य बाजारों में गिना जाता है। नीलोखेड़ी में वर्तमान में लगभग 21,500 की जनसंख्या निवास करती है। यह जनसंख्या के दृष्टिकोण से करनाल जनपद में छठा सबसे बड़ा नगरीय क्षेत्र है। कारसा रोड पश्चिम की ओर रेलवे फाटक पर जुड़ता है। रेलवे रोड उत्तर पूर्व की ओर अनाज मंडी एवं गुरुद्वारा साहिब से होकर गुजरता है। नीलोखेड़ी वर्तमान में करनाल जनपद की 5 तहसीलों में एक है। आगे बढ़ते हुए गोल मार्केट का सर्कल नजर आता है। गोल मार्केट नीलोखेड़ी का सबसे मुख्य व्यापारिक केंद्र है। यहाँ अनेकों व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साथ ही राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं स्थापित हैं। यहाँ जनमानस बड़ी संख्या में खरीदारी हेतु एकत्रित होता है। नीलोखेड़ी को मुख्यतः भारत विभाजन के समय शरणार्थियों के विस्थापन हेतु विकसित किया गया था। गोल मार्केट से पूर्व की ओर सड़क आधा किलोमीटर सफर तय करके दिल्ली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ जाती है। गोल मार्केट से उत्तर की ओर जाने वाली सड़क शहर के एक और मुख्य चौराहे किसान बस्ती चौक से जुड़ती है। किसान बस्ती चौक से पूर्व की ओर जाने वाली सड़क शहर के आवासीय क्षेत्र से गुजरते हुए कारसा रोड स्थित रेलवे फाटक की ओर निकल जाती है। नीलोखेड़ी के नगरीय क्षेत्र में शहर की संपन्नता एवं उच्च स्तरीय जीवन शैली एवं वैभव स्पष्ट नजर आता है। नीलोखेड़ी आना मेरे लिए एक अनूठा अनुभव था। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। नीलोखेड़ी नगर पर बना यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ शेयर करें जो नीलोखेड़ी एवं इसके आसपास के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मुझसे सीधा जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर लें। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।